परफेक्ट। निर्दम निर्दम, और कितनी देर बाबा? बस 2 मिनट और। आज इतने दिनों बाद हम डिनर पर जा रहे हैं, एटलीस्ट आज तो देर नहीं करते, जल्दी करो बाबा। इस वक्त कौन आ गया? यहां तो कोई भी नहीं है, तो बेल किसने दबाई? गिफ्ट? हैप्पी डेथ एनिवर्सरी टू निर्दम एंड नेहा। खून यहां पे गिरा है और फिर बॉडी को इस तरफ घसीटा है, लेकिन बॉडी यहां से गायब है। समझ में नहीं आता कि बॉडी को घसीटा क्यों। सर, यही सबसे बड़ी बात है जो थोड़ी गड़बड़ है। पहले मारा, फिर लाश भी गायब है। क्या लाइट चली गई? लेकिन कल रात तो इस एरिया में लाइट थी। फिर क्या हुआ? फिर मैडम और साहब के चीखने की आवाज आई। आवाज सुनकर हम लोग कमरे से बाहर आए कि देखा कि बाहर से किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया। गोलियां जो तुमने उन लोगों पर चलाई, कहीं उनमें से एक दो गोलियां नेहा को तो नहीं लगी? कैसी बात कर रहे हैं आप सर? मैंने तो उसके हाथ में एक घड़ी भी बांधी थी। घड़ी? घड़ी? जी हाँ, ऐसी ही वाली ट्रैकर वॉच। ट्रैकर वॉच? इससे तो पता चल जाएगा कि नेहा कहाँ है। उसका ट्रैकिंग बटन दबा। आवाज तो यहीं से आ रही है, इसका मतलब नेहा यहीं कहीं है। देखो जरा, सब लोग फैल जाओ। सर, क्या हुआ? सर, आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। अब सब याद आ गया होगा तुम्हें। मैं एक चोर हूं, इंटरनेशनल चोर। दुनिया भर से हम लोग कीमती सामान, पेंटिंग्स वगैरह चुराते थे। और तुम्हारी बीवी? वो भी एक चोर थी, मुझसे भी बड़ी चोर थी। वो एक बहुत बड़ी गैंग है, डॉक्टर ओ की गैंग। हम लोग उस गैंग के मेंबर्स थे। अच्छा, तो तुम उस डॉक्टर ओ के गैंग के मेंबर हो? पूरी दुनिया की पुलिस उसे ढूंढ रही है। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है। हम तो यहां आके छुप गए। वो हमें ढूंढ रहा था, पर अब उसे पता चल गया है। उसी ने मेरी वाइफ को मारा है। पर मारा क्यों है? हम लोग डॉक्टर ओ की चाबी इटली से चुरा के यहां ले आए, और प्लास्टिक सर्जरी से अपने अपने चेहरे भी बदल लिए हमने। और ये चाबी? चाबी क्यों चुराई तुम लोगों ने? डॉक्टर ओ ने पिछले 10 साल में जो भी चीजें चुराई हैं, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, वो सब दिल्ली में कहीं छुपा कर रखी है। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि वो सेफ कहाँ है? नहीं। नेहा को पता था? नेहा को ही पता था। ओ, तो उसने कभी तो बताया होगा तुमको? नहीं बताया। तुमने पूछने की कोशिश की? जी हाँ। तो? नहीं बताया। झूठ, सब झूठ है। तुम डॉक्टर रो से मिले हुए हो, सेफ की लालच में तुमने नेहा का खून करवा दिया है। उस दिन क्या हुआ था तुम्हें सब पता है, सब देखा है तुमने। कौन आया था, क्या हुआ था, सब देखा है तुमने। नहीं। झूठ,
उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया उस सेफ के बारे में? वो सारा का सारा माल अकेले ही हड़पना चाहती थी। ये अब आया ना सब पेट से बाहर, क्योंकि निया जानती थी तुम डॉक्टरों से मिले हुए हो। मैंने तो उसे उसके टैटू के बारे में भी पूछा था। टैटू? कौन सा टैटू? एक दिन चुपके वो कोई टैटू लगवा के आ गई यहाँ पे। विवेक, फोरेंसिक लैब में से जो लाश के फोटो हैं, देखो उनमें से कोई टैटू का फोटो है क्या, जल्दी लेकर आओ। बड़ा अजीब टैटू है। W97 और N112, और ये दोनों डॉट्स डिग्री, वेस्ट 97 डिग्रीज, नॉर्थ 113 डिग्रीज। सो हो सकता है जहां वो सेफ हो ये उसी का पता हो, ये एड्रेस हो उस कोऑर्डिनेट्स के। ग्रेट, चेक करो कंप्यूटर से इन कोऑर्डिनेट्स पर कौन सी जगह है। मैनेजर का इंतजार करते रिसेप्शन तो शाम हो जाती है। लेकिन दया, वो डैनी कहाँ है जिसे ये मिलने आया था? सर ये कमरा तो बहुत साफ सुथरा है, लग तो नहीं रहा है कि यहाँ कोई आया है। दया, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया। इस बेड को देखो, देखो इसे टेढ़ा रखा है, देखो जरा। तो डॉक्टर ओ का बॉक्स है, इसका मतलब है डॉक्टर ओ यहां आया था। अरे सर, ये डॉक्टर तो अपना पूरा सामान निकल के ले गए सर। मानना पड़ेगा सर इस डॉक्टर ओ को, कोई बोल नहीं सकता इस होटल के कमरे के बेड के नीचे एक बॉक्स है और इसमें करोड़ों का माल छिपा है, और इस कमरे की चाबी ये मैनेजर अपने पास ही रखता था। एक के पीछे एक खून किए जा रहा है दया, ये डॉक्टर ओ मुझे चाहिए जल्दी से जल्दी। एक बॉक्स लेके आए हैं, वो भी एकदम खाली। डॉक्टर तारिका, अगर ये बॉक्स भरा होता ना तो ये लोग यहाँ कभी नहीं आते। ये देखिए सर, इसमें से हमें ये सूखे हुए पेंट का टुकड़ा मिला है, इसमें 2-3 कलर मिले हुए हैं। और ये सूखे हुए ऑयल पेंट के टुकड़े जो किसी पेंटिंग से टूट के गिरे। पेंटिंग में से? जी हाँ, और ये 300 साल पुराना पेंट है। और इस पेंटिंग की कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा है। $50 मिलियन? माय गॉड, इसीलिए डॉक्टर ओ पागल बैल की तरह गुस्से में लोगों को मार रहा है। सर, डॉक्टर ओ हमेशा अपनी कोट की पॉकेट में एक पर्पल ऑर्किड रखते हैं। पर्पल ऑर्किड? ये तो महंगा फूल है, हर जगह नहीं मिलता। सर, शहर में जितने भी फूल वाले हम उन सबसे पूछ सकते हैं कि हर रोज पर्पल ऑर्किड कौन खरीदता है। सर, इस शहर में कम से कम 5-6 हज़ार फूल वाले होंगे, मगर हम उन सबसे पूछ सकते हैं। सर तो ठीक है, शहर में जितने भी फूल वाले हैं सबसे पूछताछ करो। निकल गए, पास से निकल गए। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डॉक्टर वापस सर्कल आएगा सर। ये देखिए।